नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 31। शिवजी का प्रसन्न होकर परशुराम को त्रैलोक के विजय नामक कवच प्रदान करना। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था? उस मंत्र के आराध्य देवता कौन हैं? कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है? वह सब आप बतलाइए। नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक के विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक की विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्याशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वाताप नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है, भृगुनंदन जिसे पढ़ एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि षठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस
त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं राशेश्वर देवता हैं और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः, सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा, यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरये नमः, सदा मेरी भ्रकुटियों को बचावे। ओम गोविंदाय स्वाहा, मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः, मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। राशेश्वराय स्वाहा, सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः, सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय, सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राशिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा, सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा, सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राशिकेशाय स्वाहा, मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक श्रोमण उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक की विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय सैकड़ों वाजपेय दस हजार अश्वमेध
संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा ये सभी इस त्रैलोक की विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकती। व्रतोपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्ध अमरता और श्रीहरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10,00,000 जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 31 संपूर्ण। जय राधा माधव।